वो दरअसल जानना चाहते हैं कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू रिकवर एंड इज दिस फॉरएवर और वी मे हैव एनी स्मॉल नंबर आफ्टर अ फ्यू इयर्स। यूजुअली मुदस्सिर ये जो प्रोसीजर्स हैं, मैंने जो तीन प्रोसीजर्स में ये आपको बताए थे, पीआरके, फेमटोलेसिक और स्माइल, इनमें एवरेज रिकवरी डे जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन का होता है, प्लस माइनस अ फ्यू डेज। फेमटोलेसिक इज द क्विकेस्ट वन, सबसे तेज रिकवरी फेमटोलेसिक में होती है, जिसमें फर्ज करिए कि मैं आज फेमटोलेसिक का प्रोसीजर करता हूँ तो कल तक मेरी 80% तक नजर बहाल हो चुकी होगी, और जो फाइन इंप्रूवमेंट्स हैं वो हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाती हैं। जो पीआरके है उसमें हमारे जो लेजर्स हैं वो, क्योंकि हम एक तरह से स्किन ऑफ करते हैं, आँख को ऊपर से छील देते हैं, उसकी वजह से रिकवरी स्लो होती है और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है, लेकिन यूजुअली हफ्ते में पेशेंट रिकवर हो जाता है। स्माइल की रिकवरी इज अ लिटल स्लोअर इन अ वे कि हम नॉर्मली 1 से 2 दिन में काफी हद तक रिकवर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 80% तक, लेकिन उसमें एक हेज या धुआं सा रहता है जो 2 से 3 हफ्ते में क्लियर हो जाता जैन है। काजी और जहां ऑल्सो तक, सॉरी श्री, मैं इसी बात को आगे जी करूंगा क्योंकि इनके एक सवाल का एक और हिस्सा ये भी था कि क्या ये हमेशा के लिए है। तो जी हाँ, आइडिया यही है कि इसमें दोबारा चश्मे की जरूरत ना पड़े, और इस चीज को टेस्ट से पहले, जिस तरह एक टेस्ट है जिसको हम पेंटाकैम कहते हैं, कॉर्वेस कहते हैं, ये दो ऐसे टेस्ट हैं जिनसे कि हमें बहुत हद तक ये पता चल जाता है कि क्या हमारे चश्मे की जरूरत दोबारा आ सकती है या नहीं। तो मेरा मशवरा आपसे ये होगा कि ये दोनों टेस्ट, यानी पेंटाकैम भी और कॉर्वेस भी, सर्जरी से पहले होना मस्ट है, क्योंकि इनको सर्जरी के बाद ये पता करना का कोई फायदा नहीं होगा कि जब चश्मा आ रहा हो कि मेरा चश्मा लेजर होना चाहिए था नहीं। ये दो इंतहाई सेंसिटिव और जदीद टेस्ट हैं जो कि ये बता देते हैं कि लेजर सेफ है, लेजर प्रिडिक्टेबल है और लेजर फॉरएवर है या नहीं।